तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अननोन व्यू 2.0 पर और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं RC390 वर्सेस RS457। तो चलो ज्यादा देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इनकी कीमत की ओर नजर दी जाए तो RC390 का ऑन रोड प्राइस है 3.94 लाख और दूसरी तरफ RS457 का ऑन रोड प्राइस है 4.68 लाख। तो चलो अब देखते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन। पहले स्टार्ट करते हैं RC390 से। KTM RC390 में 373 cc एयर कूल्ड इंजन दिया गया है जो 43.5 PS की अधिकतम पावर देता है। इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 13.7 L है और ये 25.89 km/L का माइलेज देती है और ये 390 cc होने के बावजूद ये एक सिंगल सिलेंडर बाइक है। और दूसरी तरफ Aprilia RS457 के बारे में बात करें तो बाइक में 457 cc लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन लगा है। ये 48 horsepower ताकत पैदा करता है। ये 270 degree फायरिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करता है। जैसा की पहले बताया गया है, बाइक में 3 राइडिंग मोड आते हैं जिसमें इको, रेन और स्पोर्ट शामिल है। RC390 373 cc होने के नाते KTM को ट्विन सिलेंडर देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।